लालबाग के गणपति की वो कहानी जो शायद आपको ना पता हो। 1930s के इंडस्ट्रियलाइजेशन में होने वाले चेंजेस का इम्पैक्ट जब परेल के टेक्सटाइल मिल्स और वहां के लोकल लोगों पर पड़ा, तब 12 सितंबर 1934 को लालबाग के फिशरमैन और वेंडर्स ने वहां पर पहली बार गणपति स्थापित की। उस समय पर लालबाग के गणपति की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी श्री मधुसूदन डी कांबली जी को दी गई थी। आज लगभग 90 साल बाद भी यही फैमिली लालबाग की गणपति डिजाइन करती है और उन्हें बनाती है। ऐसा करने वाली इनकी तीसरी पीढ़ी है। लालबाग की गणपति यूनिक इसलिए भी है क्योंकि पिछले कई सालों से ना तो इस मूर्ति के हाव भाव बदले हैं और ना ही इसकी डिजाइन बदली गई है, और इसलिए संतोष कांबली जी ने 2011 में लालबाग की मूर्ति की ओरिजिनल डिजाइन का पेटेंट अपने नाम करवाया। लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल, जिसने 1934 में पहली बार लालबाग की गणपति स्थापित की थी, वो आज भी लोगों को एक साथ लाने के अपने पर्पस को फुलफिल कर रहा है। लालबाग में होने वाले दान के थ्रू इस मंडल ने 1947 के पार्टीशन से लेकर 1962 और 65 के बिहार फ्लड्स में भी अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है।